कृषि गुरुकुल के नियम के अनुसार पहला ये प्रश्न किया जाता है, क्या करना? बोला कृषि करना। फिर दूसरा प्रश्न चालू होता है, क्या कृषि करना? उसके आधार पे जमीन को निर्णय किया जाता है कि किस प्रकार का जमीन लेना है, फिर वो कौन से जगह में लेना है। यही कृषि मैनेजमेंट का, फार्म हाउस मैनेजमेंट का पहला रूल, नियम, विधान है। इसलिए प्रश्न हुआ क्या करना, टाइम पास नहीं। दूसरा क्या उत्तर हुआ, नहीं खेती करना। ठीक। तीसरा पूछे भाई क्या कॉस्ट, बोले कम से कम दाम में। कम से कम दाम में अच्छा जमीन नहीं मिलेगा और कम से कम दाम में कम से कम दाम का खेती होगा। अगर बढ़िया खेती करना है, करोड़ों में कमाना है, तो उस प्रकार का इन्वेस्टमेंट, उस प्रकार का जमीन लेना पड़ेगा। और तीसरा क्या, शहर से उस हिसाब में दूरता होना चाहिए। जैसे हमारा कृषि गुरुकुल खोले राउरकेला से 90 किलोमीटर दूर है, और यहाँ जो छोटा वाला मॉडल प्रोजेक्ट देखे हो, नहीं देखे हो जाके देख लेना, वो राउरकेला से 10 किलोमीटर दूर में है। अलग अलग पॉलिसी में काम हो रहा है। तो जब भी हम जमीन का निर्धारण करें और लेने का चिंतन करें, तो पहला बिंदु हमेशा ये देखना है क्या करेंगे, क्या खेती करना है, आउटपुट टारगेट क्या है, इनपुट क्या देंगे। इतना प्रश्न के बाद फिर किस क्वालिटी का जमीन लेंगे। जमीन जमीन बहुत प्रकार का जमीन है। हम लोग उड़िया में बोलते हैं माड़ा जमीन, गुड़ा जमीन, पोसी जमीन, पानी जमीन, डीपा जमीन, अलग अलग है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई फैक्ट्री का टारगेट है या कोई गोडाउन का टारगेट है या कोई स्टोरेज का टारगेट है, फिर कम दाम का जमीन ले लो 30-40-50 हजार एकड़ में, तो प्रॉब्लम नहीं, कितना भी दूर में हो जाए। शहर के दूरता के अनुसार जमीन के रेट कम कीमत बढ़ जाते हैं, और एग्रीकल्चर एस्पेक्ट के अनुसार जमीन के रेट बढ़ते हैं। एक समय में क्या था, जो डाउन लैंड था, जिसको कि हम लोग उड़ीसा में धान जमी के बोलते हैं, जिसको क्यारी बोले, जिसमें बनाया जाता है, उसका कीमत बहुत था। अभी विगत 10 साल से ट्रेड चेंज हो गया है। जो ढीपा जमीन उस समय जो कम दाम में 41,000-40,000 में मिलता था, वो आज 4,00,000-10,00,000 हो गया। क्यों? क्योंकि सरकार ने उस जमीन के ऊपर ज्यादा पैसा दे रहा है। अभी आपको, अब मेरा फेसबुक देखे होगे, तो घर बनाने के लिए 4,00,000 सुखा सुखा, बोरवेल खोदो 2,50,000 सुखा सुखा, प्याज घर बनाना है 1,62,000 सुखा सुखा। जमीन का कीमत खरीदे थे 41,000 में, मिल चुका है 10,00,000 बिना मतलब। ठीक है। हम अब वो पेक हाउस में आम रखते हैं नहीं रखते अलग बात है, प्याज घर में प्याज रखते नहीं रखते अलग बात है, वो बोरवेल से पानी निकालते नहीं लगते अलग बात है, देर पैसा दे रहा है, करो करो। अभी 7.5-14 लाख रुपया अभी बोल रहा था कि लीजिए और पूरा पॉली हाउस बनाइए या फिर ग्रीन हाउस बनाइए। 14 लाख का प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट 50% सब्सिडी, 7.5 लाख में 14 लाख आपको दे देगा। मैं बहुत समझा पहले, तो मैं उसमें थोड़ा सा मुकर गया, लेकिन चाहता तो 7 लाख रुपया सुखा मिलता। तो क्यों दे रहा है वो, देख अब सबको तो नहीं दे रहा है ना, वहां तो और भी खेतिहार है, 2 लाख किसान है वहां मेरे प्रोजेक्ट के आसपास, कृषि गुरुकुल के पूरे आसपास है, उनको तो नहीं दिया, मेरे को बुला के बोल रहे आइए लीजिए। बोला क्यों, मतलब इस प्रकार के क्राइटेरिया में आपका जमीन आ रहा है इसलिए आपको दे रहे हैं। कट।